नमस्कार, रात के 8:50 हुए हैं। दिन भर की खबरों का ये बुलेटिन जिसमें आप नजर डालते हैं क्षेत्र भर की, जिले भर की कुछ प्रमुख खबरों पर। आइए देखते हैं क्या कुछ घटा दिन भर में जिले में। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और चलिए दिखाते हैं आपको खबर इस बुलेटिन में खजुराहो की। खजुराहो में आम आदमी पार्टी द्वारा संगठन विस्तार हेतु एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस उपस्थित रहा। आम आदमी पार्टी राजनगर विधानसभा की बैठक पहला वाटिका खजुराहो में आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा प्रभारी अजय मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार करने एवं जमीनी स्तर पर कार्य करने की नसीहत देते हुए जन जन तक आम आदमी पार्टी की नीतियां एवं सिद्धांतों को पहुंचाने का संकल्प दिलाया, जिसमें पूर्व के कार्य की समीक्षा की गई। विधानसभा प्रभारी अजय मिश्रा ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में कानून की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और समस्त क्षेत्र में जुए एवं अवैध कारोबार करने वाले अपराधियों का ही बोलबाला है। अजय मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ राजनीति एवं जनहितैषी कार्यों के लिए प्रदेश में आलोक अग्रवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जैसी बातों को बैठक के सामने रखा। बैठक में सीताराम वाजपेयी, दिनेश शुक्ला, विजय त्रिवेदी, हरीश शंकर सेन, ब्रजेश शुक्ला, मुकेश मिश्रा, नरेश वर्मा, सुरेंद्र तिवारी जैसे आम जनमानस मुख्य रूप से मीटिंग में उपस्थित रहे। हमारा मुद्दा मध्य प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का है। जो मध्य प्रदेश में लूट खसूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की जा रही है, गरीबों को न्याय नहीं मिलता, अपराधी गुंडे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और जो शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वो जमीनी स्तर पर शासन की योजनाओं का लाभ व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। इसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाया जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और चलिए आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन में खबर नौगांव क्षेत्र की। नौगांव में पुलिस प्रशासन एवं राजस्व विभाग के साथ पत्रकारों के साथ में एक रैली निकाली गई। इस सद्भावना रैली के माध्यम से नगर भर में सुख शांति अमन चैन की नसीहत देते हुए एक संदेश दिया। आने वाले समय में नगर में सुख शांति और अमन चैन बना रहे इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने शक्ति दिखाते हुए एक सद्भावना रैली के रूप में विस्तृत मुख्य मार्गों से इस रैली को निकाला गया। यह रैली नगर के एसडीओपी कार्यालय से होते हुए नौगांव के मुख्य मार्गों से निकली, जिसमें नौगांव एसडीओपी उमेश सिंह तोमर, तहसीलदार जिया फातिमा, टीआई विनायक शुक्ला, पत्रकार कमल यादव, जितेंद्र शर्मा, राजीव तिवारी, उमंग शिवहरे सहित तमाम नगर के नागरिक मौजूद रहे। सभी नगर के गणमान्य नागरिक, सभी बड़ों के पुलिस और प्रशासन सभी ने संयुक्त रूप होकर एक साथ शांति सद्भाव देते हुए मार्च पास्ट किया गया है। आने वाले समय में नगर में शांति का मत है, यही हम सब लोगों के नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए हम लोगों ने सद्भावना बनाने के लिए निकाला और सब लोग ऐसे ही सोचो शांति खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और चलिए इस बुलेटिन में आपको खबर दिखाते हैं विजावर क्षेत्र की। यहां विजावर और उसके आसपास के इलाकों में बीती रात तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की खेत में लगी फसल नाश हो गई। भारी बारिश हवा के साथ गिरे ओले विजावर सहित किसानगढ़ जैसे अन्य इलाकों में भी तेज बारिश होने के कारण किसानों के माथे में चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। किसानों ने अपनी फसल की बर्बादी को लेकर काफी चिंता भी व्यक्त की। ग्रामीण किसानों ने बताया कि फसल जिस कारण नष्ट हुई उसका मुख्य कारण ओलावृष्टि और तेज बारिश है, जिसमें खेत में लगी लाखों की सब्जी की ओलावृष्टि के कारण खेतों में तबाही में तब्दील हो गई। खेतों में लगी फसल को नष्ट देखकर किसान चिंता में है कि आखिर वह करे तो करे क्या। खेती की तबाही के बाद किसान आर्थिक सहायता के लिए सरकार के दरवाजे तक पहुँचने को मजबूर है।
जे कल खूब आंधी तूफान चला वो खूब पानी बरसो और खूब ओरे बड़े बड़े गिरे सो पूरी फसल हमारी चौपट हो गई और हमारा नुकसान कम से कम 2-3 लाख का नुकसान हमारा पूरे मट्टी में मिल गया और अब हम कछु कर नहीं सका ना कर भी लाख हमारा तो दिमाग ही खराब हो गए। रात में इतनी वर्षा भई है और वर्षा के साथ साथ इतनी ओरे गिरे हैं कि कम से कम 100 ग्राम का तक का ओरो गिरे है। सर इतनी फसल में इतनी नुकसान आ गई है जो सब्जी वगैरह तो बिल्कुल बहुत सारा नुकसान आ गया। तो सर कम से कम 2 लाख के टमाटर होने थे हमारे और भी फसलें भिंडी वगैरह भी लगी थी। 2 लाख को कम से कम हमारा भार नुकसान है सर। सर बहुत तेज ओरे गिरे हैं, बहुत बड़े बड़े 100-100 ग्राम से इतने ओरे गिर गए और पूरी फसल नष्ट हो गई है। नुकसान हुआ 4-5 लाख का, टमाटर भिंडी लौकी धनिया पत्ती मिर्चा सब जमीन में गड़ गई। ये टमाटर भी देखो आप देख रहे हैं पूरे खराब हो गए, पूरी फसल होगी पूरी बर्बाद होगी, प्याज भी खराब होगी, लगभग हमारा 4-5 लाख का नुकसान। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शुभम सोनी और चलिए देख लेते हैं इस बुलेटिन में खबर। यहां यादव समाज के युवाओं द्वारा अपने एक ज्ञापन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग को 14% तक की आरक्षण को हटाकर 27% तक करने के लिए ज्ञापन सौंपा। सरकार द्वारा 27% अगर आरक्षण मिलता है तो युवाओं का कहना है कि उनको नौकरी के लिए भी कई रास्ते खुल सकते हैं। प्रदेश महामंत्री राहुल सिंह यादव ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को मात्र 14% आरक्षण ही केवल शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों जैसे राजस्थान उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तकरीबन 27% से लेकर 58% आरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के साथ न्याय करते हुए विधानसभा में विधेयक लाकर आरक्षण को 14% से बढ़ाकर संख्या के आधार पर 27% किया जाए, जो कि 2003 से विधानसभा में लंबित है, जिससे कि मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं के साथ न्याय हो सके और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ सके। वहीं अखिल भारत वर्षीय युवा यादव महासभा के सभी सदस्यों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और उन्होंने बताया कि अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं होती है तो आगे वह उग्र आंदोलन करने को विवश रहेंगे। इस ज्ञापन देने के दौरान राहुल सिंह यादव प्रदेश महामंत्री के साथ आकाश यादव, अनिल यादव, अनुराग यादव, लकी, अवधेश, रजनीश, आकाश, राजेश के साथ जगदम्बा, मिलन, जीतेंद्र, भानु उपस्थित रहे। तो मध्य प्रदेश में हमारा पिछड़ा वर्ग का 14% आरक्षण है उसको मंडल कमीशन के अनुसार हमारा 27% किया जाए, चाहे जे नहीं किया जाएगा तो हम धरना प्रदर्शन और बड़े रूप में आंदोलन की करेंगे पूरे जिलों में मध्य प्रदेश में। हम लोगों को फायदा होगा कि हम लोगों के आय के स्रोत बढ़ेंगे, जो हम लोगों को भीड़ में लगना पड़ता है, दिक्कत होती है, सब जगह बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसमें हमें फायदा मिलेगा, शायद आरक्षण बढ़ेगा। खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शुभम सोनी और चलिए इस बुलेटिन में खबर दिखाते हैं। यहां छत्रसाल चौक के पास स्थित नगरपालिका परिषद द्वारा नवनिर्मित सुपर ड्यूलेक्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया गया। छत्रसाल चौक पर बने सुपर ड्यूप्लेक्स का शुभारंभ नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष अर्चना सिंह के हाथों रिबन काट कर किया गया। शहर के पोर्च इलाकों में से एक छत्रसाल चौक पर स्थापित किए इस कॉम्प्लेक्स से दुकानदारों के साथ आमजन को स्वच्छता के दायरे में कॉम्प्लेक्स का मिलेगा लाभ। वहीं इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन दिया गया, जिसमें स्वच्छता मिशन पर काम करने वाले जनों को सील वितरित कर उनको सम्मान भी दिया। पूरे कार्यक्रम में मंच पर सूर्य प्रताप सिंह, नगर पालिका उपाध्यक्ष कमला खरे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित पटेरिया, नगर पालिका CMO सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जब मैं पहली बार दिल्ली गई थी बैठक में तो वहाँ पे हम लोग को ये चीज साफ की गई कि अगर आप लोग अपने शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप DPR बना के भेजिए और DPR बना के भेजेंगे और हम वहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आप उस DPR पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आप अपने छतरपुर को या आप अपने शहर को ऐसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। तो हम लोग से वहाँ पे पेपर में लिखवाया गया, हम लोग किस तरह मतलब हम लोग को एक टाइम दिया गया जैसे हम लोग का एग्जामिनेशन होता है। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। झमटुली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, यही वजह है कि यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं काफी प्रभावित हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 30 गांव इससे जुड़े हुए हैं और लगभग 1 लाख की आबादी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे है। बावजूद इसके यहाँ पर स्टाफ की कमी की वजह से अक्सर
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद रहता है। बीते दिनों एक डिलीवरी भी अस्पताल के गेट के बाहर हो गई थी। इस मामले में यहाँ पदस्थ डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने लगभग 4 साल से लगातार CMHO को पत्र लिखे, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पानी की कोई सुविधा नहीं है। फिर कहाँ से आप लोग पानी ले आते हैं? घर से लाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र में इस समय लगभग आधा स्टाफ है, हम अभी आधे स्टाफ से काम चला रहे हैं, जिसमें टोटल 6 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे, जिसमें से 2 लोग फील्ड के हैं, सुपरवाइजर और LHP। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन नहीं है, ENM नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड सर्वेंट नहीं है, फार्मासिस्ट भी अभी नहीं यहाँ पे था, जिसने इस्तीफा दे दिया है, जिस कारण से स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवा देने में तकलीफ जा रही है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर शहर की अमन चैन को बनाए रखने के लिए सोमवार को एक सद्भावना मार्च निकाला जाएगा। ये सद्भावना मार्च बस स्टैंड पर स्थित फव्वारा चौक से शहर के प्रमुख मार्गों पर होते हुए छत्रसाल चौराहे पर रुकेगा। सभी गणमान्य नागरिकों, शहर के वरिष्ठ जनों और सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से इस शांति मार्च में शामिल होने की अपील की गई है। गौरतलब है कि 10 तारीख को भारत बंद होने की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही थी, जिसको देखते हुए शहर के सामाजिक लोगों ने एक निर्णय लिया कि उसके पहले एक सद्भावना मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सभी लोगों से अपील की जाएगी। और इसी वजह से शाम 5 बजे सोमवार को बस स्टैंड पर स्थित फव्वारा चौक से एक सद्भावना मार्च निकाला जाएगा, जिसमें सभी लोगों को शामिल होने का आह्वान किया है और शांतिपूर्वक इस मार्च में सभी लोग शामिल होकर अगले दिन का जो संभावित बंद की अफवाहें चल रही थी उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से लगातार समाज को बांटने के प्रयास हो रहे हैं, उसको लेकर छतरपुर के व्यापारी और सामाजिक संगठनों की एक बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि 9 तारीख को हम लोग एक विशाल सद्भाव मार्च निकालेंगे और हम सब एक हैं इस बात का नारा देंगे और ये संदेश छतरपुर से पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जाएगा। अब ऐसा है कि जो सोशल मीडिया की रूमर चल रही है, हम लोग अथोराइज कोई भी अभी ऐसा सूचना नहीं मिली किसी भी एसोसिएशन के द्वारा कि मार्केट बंद करना है। मार्केट की हमारे सड़का समाज के द्वारा से कोई सूचना नहीं है, ना अभी कोई बंद की सूचना है। भैया, राम सेवा समिति का बाजार बंद से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं बाजार बंद करवाने के लिए निकलूंगा और ना मेरे ख्याल से मेरा कोई सदस्य भी बाजार बंद करवाने के लिए नहीं निकलेगा। 10 तारीख को कोई बाजार बंद करने का ना तो आह्वान है ना किसी की कोई बात है। ये सोशल मीडिया पे एक सदुपा चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना ही किसी तरह का इस तरह का हमारे पास कोई सूचना है, ना जानकारी हो व्यापारियों का स्वेच्छा से कोई बंद का सवाल ही नहीं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सोशल मीडिया में 10 अप्रैल को बंद की खबर तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चल रही है और इसी को देखते हुए प्रशासनिक तौर पर कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। एक ओर जहां सामाजिक संगठन अपना दायित्व निभा रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर की ओर से एक आदेश निकला है, जिसमें धारा 144 छतरपुर में लागू कर दी गई है। इसके माध्यम से अब सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर, लाठी डंडे या इस तरह की विस्फोटक सामग्री लेकर लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे, उसके लिए मनाही की गई है। इसके अलावा एक और आदेश के माध्यम से जो शासकीय कर्मचारी हैं, उनको भी इस तरह की रैली और आयोजनों में शामिल न होने की बात कही गई है। पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जिसमें इस तरह के अगर कोई भी असामाजिक तत्व मिलता है उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। छतरपुर में अभी तक की जो स्थिति है, जाहिर तौर पर किसी संगठन ने, किसी भी समूह ने बाजार बंद करने की बात नहीं कही है। इसी दिशा में छतरपुर के वासियों ने बड़ा ही सकारात्मक कदम उठाया है और आज शाम को 9 तारीख को एक सद्भावना मार्च निकाल रहे हैं। क्योंकि सद्भावना मार्च इसीलिए निकल रहा है कि बाजार बंद नहीं रहेगा, इसके बावजूद चूँकि धारा 144 लगी हुई है, इस तरह की कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने वाले को सख्ती से रोका जाएगा। अगर कोई जबरन बाजार बंद करने की कोशिश करता है तो उसको बलपूर्वक उसको रोका जाएगा, ऐसी कोई गतिविधि संचालित नहीं होगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महाराजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीती रात एक कार से
लगभग 1,00,000 रुपए कीमत की देशी शराब जब्त की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गढ़ी मलेरा से राजनगर जा रही एक स्विफ्ट कार को चेकिंग के दौरान जब पकड़ा गया तो इसमें 25 पेटी देशी शराब बरामद हुई। महाराजपुर थाना प्रभारी सुनील मेहर ने चेकिंग के दौरान ये शराब जब्त की है। इसमें धर्मेंद्र सिंह और दीपेंद्र सिंह नाम के 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आबकारी एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गौरतलब है कि जिले में एडिशनल SP जयराज कुबेर के निर्देश पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। आज दौरान वाहन चेकिंग में एक संदिग्ध वाहन शिफ्ट जिसका नंबर था MP09CG 1140 तेज गति से निकलता हुआ मिला, तो इसका पीछा करके हमने उसको रोका, जिसमें से हमें 25 पेटी अवैध देशी मदिरा शराब मिली है जिसकी कीमत करीब 1,00,000 रुपये है। गाड़ी में हमें धर्मेंद्र पिता इंद्रपाल सिंह निवासी किशनपुरा थाना राजनगर और दीपेंद्र सिंह सन ऑफ वीर सिंह ये डहरा का रहने वाला है राजनगर का, ये गाड़ी मिले तो इनके कब्जे से अवैध रूप से 25 पेटी शराब मिली है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया है। इसके अलावा जिला जज के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर मांग की गई है। उनका कहना है कि पिछले कई बार इस बात की मांग किए जाने के बावजूद अभी इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे कि अधिवक्ता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राकेश कुमार दीक्षित जिला अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर आज समस्त मध्य प्रदेश के जिला अधिवक्ताओं के द्वारा, जिला तहसील के द्वारा और हमारे जिला छतरपुर में अधिवक्ता संघ के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विभिन्न मांगी गई हैं हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा, जिसमें प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जा रहा है। शासन से कई बार कहा गया, कई बार आवेदन दिया गया, शासन ने कई बार आश्वासन देने के बाद शासन मुखर गई और हमारे अधिवक्ताओं को सीधा मुकदमा दायर कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा, जिसमें बगैर किसी जांच के इन सभी विरोध के बावजूद विरोध के कारण हम आज जो है राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर ये प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं और आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हम लोगों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और न्याय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारे अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए और जो न्यायाधीशों की कमी है इस प्रदेश में हाई कोर्ट में उनकी पूर्ति की जाए। लवकुश नगर में भी आगामी 10 तारीख को आंदोलन या धरने की खबर को देखते हुए एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उसके बाद फिर सभी लोगों ने नगर में भ्रमण भी किया। पिछले दिनों हुए आंदोलन में आई समस्याओं को लेकर और सोशल मीडिया के जरिए आने वाली 10 तारीख को अन्य लोगों द्वारा आंदोलन करने को लेकर पुलिस पहले से ही सजगता दिखाते हुए नगर के लोगों से अपील करती नजर आई कि किसी भी प्रकार की अफवाह में लोग ना आए। इसके मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने नगर के बुद्धिजीवी व गणमान्य नागरिकों सहित पूरे नगर में शांति व्यवस्था की अपील करते हुए रैली निकाली। रैली में SDOP लक्ष्मण अनुरागी, TI PD मिंज, तहसीलदार गौतम, नगर परिषद CMO शीतल भलाबी, जनप्रतिनिधि और पत्रकार सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत शाम 5 बजे से बस स्टैंड के पास स्थित फगवारा चौक से एक शांति सद्भावना मार्च निकाला गया। इस मार्च में कलेक्टर रमेश भंडारी, DIG अनिल माहेश्वरी, SP RR S Parihar, Additional SP जयराज कुबेर सहित तीनों थानों के TI, पुलिस बल और नगर के गणमान्य नागरिक व पत्रकार गण मौजूद रहे। महिलाएं भी इस मौके पर इस सद्भावना यात्रा में शामिल हुई। चौरसिया समाज की महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। DJ के माध्यम से लोगों को सामाजिक सौहार्द बनाए जाने की अपील की जा रही थी। सभी वर्गों और समुदायों के लोगों ने शामिल होकर भारत माँ की जयकारे के नारे लगाते हुए वंदे मातरम और हम सब एक हैं के नारे लगाते हुए छत्रसाल चौराहे तक का सफर पूरा किया। एक बात यहाँ और देखने को मिली कि राह में जगह जगह फूल वर्षा की गई और लोगों को शीतल पेय और पेयजल उपलब्ध कराया गया और लोगों ने इस अभियान की, इस शांति मार्च की तारीफ की।
इसके पश्चात छत्रसाल चौराहे पर ये रैली संपन्न हुई। यहाँ पर संबोधित करते हुए DIG, कलेक्टर और अन्य लोगों ने लोगों से शांति की अपील की और सौहार्द बनाए जाने की बात भी कही। धारा 144 के तहत जुलूस और रैली, सभाएं, माइक इत्यादि प्रतिबंधित किए गए हैं। ये इसका उद्देश्य है कि शहर में शांति बनी रहे और जो भी चीज़ें हो उनके दायरे में। साथ में हमने धारा 144 के अंतर्गत भी प्रतिबंध किया है और उसको हम बात कर रहे हैं, और जहां पर हमको आपत्ति लगता है पहले उसको एक बार चेतावनी देते हैं, यदि फिर वो नहीं संभलता है तो फिर उसके विरुद्ध 188 CRPC के तहत FIR दर्ज करें। आज किस तरीके की यात्रा निकाली जा रही है? आज ऐसा है कि शहर में सद्भाव बना रहे और लोगों में एक जबरन की अफवाह उड़ रही है कल बंद रहेगा, कल वो रहेगा, तो व्यापारी लोगों का साथ निकलेंगे और व्यापारी लोग खुद इस बात को ले सहमत है, कोई बंद का आह्वान किसी ने नहीं किया है और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, इसलिए सभी समाज सभी वर्ग के लोगों के साथ एक शांति मार्च और साथ फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे देश को और हिंदू समाज को आपस में बांटने के षड्यंत्र चल रहे हैं, उन षड्यंत्रों का मुकाबला करने के लिए सभी जाति वर्ग और समाज के लोग आगे आए हैं और छतरपुर से हम लोग एक शांति और एकता का अमन का पैगाम दे रहे हैं कि हम सब लोग एक हैं। कुछ वास्तव ग्रुपों में जो अफवाह फैलाई जा रही थी उन अफवाह को विफल करने के लिए छतरपुर के सभी लोगों ने ये सद्भावना मार्च निकाला है और इससे संदेश जाएगा कि छतरपुर के लोग एक हैं। इसमें कल प्रशासन ने एक मीटिंग की थी, उसमें कहा गया था कि अपने देश में एक विरोधाभास चल रहा है, सभी SC ST या OBC जनरल के सभी लोग मिलकर के एक शांति सद्भावना मार्च निकाले, उसी तरह आजाद उसका समर्थन करता है। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों नए अपडेट के साथ। नमस्कार।